हेलो, मेरा नाम सूरज। यदि आप 10वीं और 12वीं के सभी प्रश्न पत्र के आंसर की पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पेपर होने के 2 घंटे बाद इसी चैनल पर आंसर की दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, इंग्लिश, चाहे जो भी विषय हो, आपको इसी चैनल पर उसका आंसर की दे दिया जाएगा। आप उसे मिलान करके पता कर लीजिए। हेलो, वेलकम, नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको विषय भौतिक विज्ञान है, जो कि न्यूमेरिकल्स है। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिस टाइप के आते हैं, आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम आपका आज के डेट में आज ही है, ठीक है, मतलब 20 फरवरी को है, यानी आज ही 20 फरवरी है। तो आपको 2 बजे आपको एग्जाम देने जाना होगा। तो आइए, ये क्वेश्चन हम जो बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको श्योर एंड सर्टेन इसी के टाइप का जरूर आएगा एक क्वेश्चन। तो आइए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। एक धातु का कार्य फलन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या वह तरंग दैर्ध्य 6630 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन दिखाएगा, व्याख्या कीजिए। आई बात समझ में? चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको हल करके दिखाएंगे। तो पहले हमको क्या दिया है, कार्यफलन हमको दिया गया है। तो कार्यफलन को हम दिखाते किससे हैं, W से दिखाते हैं। तो W बराबर दिया है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य कितना दिया है, लेमडा बराबर दिया है आपका, लेमडा दिखाते तरंग दैर्ध्य को। तो लेमडा बराबर दिया है 6630 एंगस्ट्रॉम, ये इतना एंगस्ट्रॉम दिया है। अब इस एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा क्या, 6630 × 10⁻¹⁰ मीटर, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लेमडा की वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना कि प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन दिखाएगा, ठीक है। तो हम देखिए ध्यान से क्या करेंगे, अब लेमडा जो आपका तरंग दैर्ध्य है, तो हम लिखेंगे तरंग दैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के फोटान की ठीक है। तो यहां हम लेमडा लिख दिए, इसका मतलब तरंग दैर्ध्य है, आप समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दिखाते हैं। ऊर्जा निकालेंगे तो ये फार्मूला होता है आपका क्या है, ई बराबर HC/λ, ठीक है, HC/λ ये फार्मूला होता है, सिंपल सी बात है। ध्यान दीजिएगा, E बराबर जो हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा H आपका होता है प्लांक नियतांक का मान हमने आपको बता दिया है, आपको याद है तो ठीक है, बट नहीं पता है तो हम एक बार फिर से आपको बताएंगे। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 × 10⁻¹⁴, ठीक है, गुड़े, अब सी क्या है, यहाँ पे सी है प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये हो गया एचसी अपॉन, अब बात कर लेते हैं लेमडा की। तो लेमडा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ऊपर क्या है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा, ज्यादा बड़े नहीं, तब भी 2 नंबर या 3 नंबर में जरूर आएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा जरूर, ये तो सर्टेनली बता रहे एकदम। तो अब हम ये वाला वैल्यू यहां रख लेते हैं, तो चलिए रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, तो लेमडा का मान क्या लिया है हमने, लेमडा का मान जो लिया है वो रख देते हैं 6630 × 10⁻¹⁰, ये हो गया लेमडा का मान। लेकिन अब हमको क्या करेंगे, जब भी आंसर आएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, वो होता है आपका 1.6 × 10⁻¹⁹, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप हल कर लीजिएगा, आपको हल करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम इससे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, पहले ऊपर वाला हल कर लेते थोड़ा सा, 3×6 = 18 हासिल लगे 1, ठीक है, फिर 3×6 = 18, 18 × 1 = 19, तो आएगा 198.1 अंक पे गुड़े
10 के खाते क्या हो जाएगा, 10 के खाते माइनस 34 है और 8 है, तो 34 में से 8 गया कितना बचेगा 26, ठीक है, तो माइनस 26 आ जाएगा। अब बट्टे क्या है, ये है, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा 6,630 गुणे 10 के घाते माइनस 10 गुणे, ठीक है, गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भाग देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा आपका आंसर आएगा, आप इसको हल करके देख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1.87, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो ये आ गया इसकी क्या आ गई, फोटॉन की ऊर्जा। अब इससे जब ये फोटॉन की ऊर्जा आ गई, तो हम कह सकते हैं चूंकि फोटॉन की ऊर्जा, ठीक है, फोटॉन की ऊर्जा धातु के कार्य फलन से कम है, अतः धातु पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। इसमें पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्सर्जन दिखाएगा, तो नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो फोटॉन की ऊर्जा है, ध्यान दीजिएगा, फोटॉन की ऊर्जा जो हमने निकाला है, ठीक है, वह कार्य फलन की ऊर्जा से क्या है, कार्य फलन से कम है, अतः पृष्ठ जो धातु है वह पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 25 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के प्रति सेकेंड उत्सर्जित 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही मजेदार है और हम इसको मजे से लगाएंगे भी। तो चलिए, सवाल एक ऐसी चीज होती है जो इंटरेस्ट के साथ लगाई जाती है, तो आप भी समझिए अच्छे से कैसे लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम सामग्री कलेक्ट करेंगे। सामग्री का मतलब क्या, कि जो जो हमको इस क्वेश्चन में दिया गया है, पहले हम उसको एक तरफ से लिख लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका 50% क्वेश्चन हल हो जाएगा, तो आपको सारा वैल्यू पता हो जाएगा, जो पूछा जाएगा बस वो फार्मूले पे रखेंगे, तुरंत तोड़ देंगे, आ जाएंगे भाई साहब। चलिए देखिए, लगाते हैं हम आपको आपके सामने ही। तो देखिए, इसमें 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य क्या दिया है, लैम्डा का मान दे दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। अब इनको हम भाई साहब को चेंज कर लेते हैं मीटर में जरा सा, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो यह जाएगा 6000 गुणे 10 के घाते माइनस 10 मीटर। अब एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज कर लिए तो इतना मीटर आ गया। अब देखिए, कुछ और हमको दिक्कत होगा तो हम कुछ और चेंज करेंगे। ये जो 1, 2, 3 ठो जीरो जो है उनको जरा उनका भी हम ख्याल कर लेते हैं, तो 6 लिख दिए और ये जो 3 ठो जीरो है वो कहां चले जाएंगे, इसमें जुड़ेंगे तो ये घट जाएगा, तो मतलब ये आएगा 6 गुणे 10 के घाते माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 जीरो यहां से घटा 10 में से, तो यह गया माइनस 7 आ गया, ठीक है। और ये हो गया इतना मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, लैम्डा तो क्लियर हो गया, अब हमारा क्या दिया है, 25 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के प्रति सेकंड, ध्यान दीजिएगा, तो जो ई का वैल्यू दिया है वो 25 दिया है, ई बराबर 25 दिया है, ठीक है, 25 वाट है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रकाश की चाल, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल को हम दिखाते हैं किससे, सी से दिखाते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश की चाल, ये तो सबको पता होगा, सी बराबर क्या होता है, 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है इसका मान, सी का, प्रकाश की चाल का। तो अब जरा हम देखिए, हमने बोला था ना कि अब पहले सामान कलेक्ट कर लिए, अब जो जो हमको दिया था क्वेश्चन में सबको लिख लिए हैं, अब यहाँ पे कौन सूत्र होगा, बस यही चीज आपको नोटिस करना होगा कि सूत्र कौन सा लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इन सबके बीच में एक संबंध होता है, जो कि होता है सूत्र कौन सा होता है, पहले ये ध्यान दीजिएगा, होता है ई बराबर एन एच सी अपॉन लैम्डा, दिखाई दे रहा है, ये होता है फार्मूला, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, बट नहीं जानते हैं तो इसको जान जाइए। अब इस फार्मूले से क्या करें, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको ये कर सकते हैं, अगर यहां से यन दिखाना हो हमें, ठीक है, यन दिखाना हो तो यन बराबर आपको हम लिख सकते हैं क्या, ई लैम्डा और यच ई लैम्डा, और ये नीचे आ जाएगा एच सी हो जाएगा एच सी, तो लैम्डा इतना आ जाएगा, इसको अगर हम 75 करके यन का वैल्यू निकालेंगे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हम यन निकाले वो यन है क्या यहाँ पे, तो यन है प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या,
ठीक है। तो वही आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन में भी, क्या कि तरंग दैर्ध्य वाले फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यन जो है आपका क्या है, उत्सर्जित हम लिख देते हैं प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, ठीक है, प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या, उत्सर्जित फोटानों की संख्या, ठीक है, आ गया। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, यहां पे ध्यान क्या देना है बस ये समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब हमको करना क्या है, यही हमको ज्ञात करना है। तो यन बराबर हम यूज करेंगे यही वाला फार्मूला, ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो ई का मान हमें पता है 25 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा 25 है, तो यहां हम 25 रख लेंगे, ठीक है। अब लेमडा, लेमडा का मान हमको पता है क्या दिया गया है, हमने अभी निकाला लेमडा का मान तो आया था 6 × 10⁻⁷, चलिए इनको भी रख लेते हैं। तो इंटू ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁷, ये हो गया। अब बट्टे क्या होगा, यच सी, यच का भी मान आपको पता होगा और सी का मान पता होगा, तो यच यहाँ पे है प्लांक नियतांक, जिसका मान क्या होता है 6.6 × 10⁻³४ होता है, और सी मतलब प्रकाश की चाल है, तो ध्यान दीजिएगा यच है, तो इसका मान लिख देते हैं 6.6 × 10⁻³ हो गया। और गुड़े अब क्या हो जाएगा, सी, सी का मान क्या है, सी का मान हमें पता है जो कि हमने अभी निकाल के बगल में रखा हुआ है, जरा उनका यूज करते हैं, प्रकाश की चाल है, तो सी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻⁸, ये हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, अब सिंपल सी बात है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इससे इसमें भाग दे देना है, तो इतना तो आप हल कर ही सकते हैं, ठीक है। इतना अगर हल नहीं करेंगे तो सवाल आपके लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, तो आप हल करना सीखिए और अच्छे से, हम कहते हैं 2 मिनट लेट ही करिए लेकिन सही करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा तो आपका ये सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो जो यन का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका क्या, हल करने के बाद आपका मान आएगा यन बराबर 7.58, ठीक है, × 10⁻⁹ फोटान प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे लगेगा, समझ में आई बात, तो ऐसे ही बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए फटाक से और इसको लेकर पहुंचिए पेपर में और अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो और आपको एक अच्छे तैयारी पे मिल सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।